आज 2-3 दिन बाद अच्छी धूप निकली है माशाल्लाह। रात को धोए हुए कपड़े अब निकाली सुखाने के लिए, और ये तो साड़ी 2 दिन से सूख रही है बारिश की वजह से, बराबर से सूख नहीं रही थी, लेकिन अभी अच्छी खासी सूख गई, तो इसको निकाल लेती हूँ और इसको सुखा लेती हूँ। उसके पहले जो घर में सूख रहे पहले वो कपड़े निकालती हूँ। सेकेंड टाइम फिर से लगाई हूँ मशीन कपड़े डालने के लिए। यहाँ पर इतने सारे कपड़े पड़े हैं और ऑलरेडी ये जो कपड़े सूख रहे थे इसमें से इतने सारे तो मैं अभी निकाली हूँ, ये देखो, और निकाल रही हूँ अभी, ये सब निकाल रही हूँ। उसके बाद इसको लगाऊंगी, फिर वो सुखाऊंगी, उसके बाद कहीं चाय और पानी का नंबर आने वाला है। कितनी रात को पता नहीं पार्सल आया है, मैं तो सो गई थी, अभी उठकर देखी तो प्लेट में सब कचुम्बर आदि बिरयानी सब रखी थी, तो मैंने डाल दी सब नीचे, डॉगी लोग खा लेंगे। और वैसे रात को मैंने पूरा किचन तो क्लीन कर सोई थी, बस यही एक पड़ा था। और यहाँ पे रख लिए मैंने अपने लिए चाय, और यहाँ पे सेकेंड टाइम जो मुझे लगाने थे कपड़े तो वो लगा चुकी हूँ। और माशाल्लाह यहाँ के सारे कपड़े निकल गए, सारे कपड़े चले गए घड़ी करने के लिए, और कुछ कपड़े जो होते हैं इस्त्री में, तो इस्त्री के मुझे लगता है 3 पोटली बनने वाली है। देखो ये है घड़ी करने वाले कपड़े और ये है इस्त्री को देने के कपड़े। ये निकाल लिया मैंने चाय और मेरे मैचिंग के, जैसे मैं मैक्सी ब्लैक पहनी हुई तो उसी के मैचिंग की कप है, और सेम कप सूरत के घर पे भी है, अयूब ने सेम कप वहाँ भी मंगा कर रखे। और उसी के साथ आज सूरत वाली बिस्किट जो हमेशा घर पे स्टॉक में रहती, तो इसके साथ वही बिस्किट, टोस्ट बिस्किट बटर जो रहते हैं वही खाने वाली हूँ इसके साथ, क्योंकि मुझे अंधेरी जाना है, कल का काम अधूरा है, तो आज सुबह सुबह जाके उसको भी पूरा करना है। तो फिलहाल तो अभी बना ली हूँ अपने लिए चाय, ये निकाली हूँ दोपहर के लिए और शाम के लिए, दोनों टाइम के लिए बनाने के लिए मटन। आज है संडे तो आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज थोड़ा सा अलग टाइप का जो मुझे पसंद है वैसे टाइप का आज आलू डाल के मटन का सालन बनाने वाली हूँ। और बहुत सारा सामान मैं एक साथ ला के भर कर रखती हूँ तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो ये धनिया निकाली हूँ इसके अंदर डालने के लिए, कि आधे से ज़्यादा तो ख़राब हो गई थी, थोड़ी बहुत जो बची है अभी यूज़ कर लेती हूँ। ये दोपहर और रात दोनों टाइम का बनेगा सालन। अस्सलाम वालेकुम, आज सुबह से आपके साथ बस काम ही काम दिखा रही हूँ, और काम करते करते इतनी भूख भी लग रही है, तो मैंने अभी थोड़ा सा मतलब आधा ये ड्रैगन फ्रूट्स काटी हूँ, और उसी के साथ साथ जो दूसरी बार मैंने लगाई थी कपड़े वो भी हो गए। और नीचे हमारी मीटिंग चालू है सोसाइटी की, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, मुझे भी लेटर आया था जाने के लिए, मैं बहुत कम जो सोसाइटी की मीटिंग्स होती है वो अटेंड करती हूँ, और अभी फिलहाल तो अमीन चले जाता है सब मीटिंगों में, क्योंकि अभी उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो क्या है, मैं कितने दिन अभी रहूँगी, आगे जो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें मैं बनाई हूँ रखी हूँ वो सब चीज़ों को लेके चलना है बच्चों को, तो फिलहाल तो वो सब चीज़ें अभी अमीन हैंडल कर लेता है। और बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, अभी तक सरवन भी नहीं आई, घर का काम ये काम वो काम में सुबह से लगी, और हालांकि संडे है। हाँ, और आपको बता रहे थे कि मुझे जाना था बालों के लिए, तो फिर मैंने जब उसको फ़ोन किया तो उसका बिजी शेड्यूल, तो मैंने बोला भाई तू आज कर दे, क्योंकि मेरे पास भी फिर टाइम नहीं रहता, तो बोला ठीक है मैम आप शाम को आओ, तो अब शाम को उसने जो टाइम दिया उसके टाइम पर मैं जाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ तो कनेक्ट तो रहती ही रहती हूँ, तो उसी के साथ साथ फिर अभी पता नहीं उसके पहले क्या क्या होगा, तो देखेंगे जैसा भी रहेगा, तो मैं अगर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है तो ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो अभी खा रही हूँ ड्रैगन फ्रूट्स, जैसे आपको बताई थी आज मटन और आलू का सालन, तो आलू जो है फ्राई करके मसाले में मैं भून रही हूँ, और मटन आज मैंने बॉईल किए, मैं ऐसे मटन बॉईल नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं मसाले के साथ भून के ही उसको बनाती हूँ, पर आज दिल चाह रहा था, जैसे हमारे गाँव में खाते हैं ना, तो जब गाँव में इसको उबालते तो चूल्हे पे बनाते, तो उबालने के बाद मैं थोड़ा, हमेशा मेरी मम्मी की भी आदत थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता, जो ये बॉईल किया हुआ मटन होता है ना ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरी मम्मी हमेशा जब ऐसे बनाते तो एक बाउल भर के मम्मी खाते ही खाते थे, उनके साथ मैं भी खाती थी जब मेरी मम्मी हयात में थे। ये देखो अभी मैंने एक पीस खाई और दूसरा पीस हाथ में पकड़ी, बहुत गर्म है, और अभी तो क्या मटन बहुत थोड़ा बनाती हूँ, मम्मी थे तो बहुत ज़्यादा बनता था, घर में 3 बहन थे, मम्मी थे, खाला के बच्चे आते थे, मामू के बच्चे आते थे, तो मम्मी 2-3 किलो मटन बनाते थे, तो अभी मैं तो क्या आधा किलो हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए एक पीस तो खा ली, ये दूसरी पीस पकड़ी हूँ, और इसके अंदर अभी मस्त पानी थोड़ा सा डाली हूँ, तो तरी छूटने लगे तो फिर ये बॉयल किया हुआ मटन भी इसके अंदर डाल दूँगी, मस्त ग्रेवी वाला मटन,
और इसके साथ बघारे हुए जो चावल होते हैं ना, वो बघारे हुए चावल और रोटी, ये आज हमारे संडे का स्पेशल लंच और डिनर दोनों भी है। अमीन के लिए लंच की तैयारी शुरू हो गई। बारबेक्यू बनने के लिए चिकन मैंने यहाँ डाल दी हूँ, और मेरे और अमीन अली के लिए तो मस्त सालन बना के रेडी कर दी हूँ। और उसी के साथ साथ आज थोड़ी किचन की सफाई चल रही है, सब क्लीन हो रहा है यहाँ पे। और ये मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद आने के बाद पता नहीं क्या करूँगी, पता नहीं है, लेकिन अब तो फिलहाल जा रही हूँ नहाने के लिए। ये ऐसे बहुत बार ये बच्ची मुझे सताती है, पीनो आई बार, पीनो जल्दी बाहर आ। और ऐसे ही ये कभी चली जाती, बाय मिस्टेक से हम लोग दरवाजा बंद करते हैं, फिर पूरा घर पूरी बिल्डिंग ढूंढते हैं इसको। और ये जैसे मैं सैटरडे संडे वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद करती हूँ पहनना, ये दो निकाली हूँ, ये बेल बॉटम जीन्स और ये तो टाइट वाली जीन्स रहती है वैसे नेरो वाली, तो देखती हूँ अभी जो अच्छा लगे वो पहनूंगी, क्योंकि मुझे सिंपल जाना है और सिंपल आना, संडे का दिन है, थोड़ा सा काम काज से फ्री रहते हैं तो वैसे जैसे हमको अच्छा लगता है वैसे जीना मजा आता है। मच्छर बहुत हो गए ना सोसाइटी में, पूरे झाड़ काट रहे हो, ट्री कट हो रही है, और अभी तो मीटिंग सुबह से खत्म हुई है, और मैं आज फाइनली मेरे बालों की सर्विसिंग का टाइम आ गया। ऐसे आपको सामने से देख के लगता होगा कितने मस्त मेंटेन बाल है, ऐसा ही होता है, जो सामने पिक्चर दिखता है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, उसके पीछे कितनी गंदगी और क्या क्या रहता है ना, जिसको पता है उसी को पता रहता है। अभी आपको देख के लग रहा होगा कितने परफेक्ट बाल है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीछे का हाल क्या है, कितने ढीले हो गए ले, कैसे रफ हो गए ले। तो ये आगे वाली पिक्चर पे कभी यकीन मत किया करो, कभी कभी मैं भी हंसते हुए दिखाती ना तो चेहरा पढ़ लिया करो, हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना गम रहता है। अभी फिलहाल जा रही हूँ मैं, और आके अपन मैच देखेंगे इंडिया पाकिस्तान। खाना भी अल्लाह, तूने पूरी चिकन खा लिया? आपको भी खाना था? मैंने खाई नहीं, सालन बना के रखी हूँ खाली में, चल रास्ते में कुछ खा लेते, चाय पीने का मूड है, पहले चाय पीते और उसके बाद में मेरे बाल की सर्विसिंग करते। एंड लोखंड वाला में आज मुझे कुछ अच्छा लगा, क्योंकि परसों मेरा मूड अपसेट हो गया तो आ गई थी, अच्छा लगा तो लूंगी, नहीं तो आजकल तो मेरा कैसा जुगाड़ू चल रहा है पता है, देखो शूज देखो, जुगाड़ू में काम हो जाता है मेरे, अच्छे लगते के शूज है। ये अमीन के शूज है, मैंने पहन लिए इसको। फाइनली मेरे सब बालों की सर्विसिंग हो गई चालू, और ये सबको पता है कि ये है लोखंड वाला, और यहाँ पे मैं आती हूँ शॉपिंग और ये सर्विस के लिए, और उसके बाद मैं आती हूँ मेरे अन्ना भाई के लिए जहाँ काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने की खुशी होती है दरगाह, जो मेरी मम्मी की बहुत पसंदीदा जगह है, और मैं वहाँ अगर ये ऐसे कपड़े में हूँ तो बाहर से सलामी भरती हूँ, और अगर दिल दुखी होता है तो अंदर जाकर बैठती हूँ, और अगर ऐसा कभी यहाँ से गुजर होता है तो भी सलामी भर के ज़रूर जाती हूँ। तो इंशाल्लाह शुक्राल्लाह शाह बाबा, आपको भी पता है, तो अब यहाँ से होने के बाद इंशाल्लाह वहाँ सलामी भर के फिर निकलूंगी घर के लिए। देखो हो गए मेरे बालों की माशाल्लाह अच्छे से सर्विसिंग, और कुछ नहीं किया ना, ऐसे कि जैसे स्ट्रेटनिंग करो समथिंग, आप लोग बहुत सारी जगह पे देखते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इसको फिटिंग किए और बस हेयर ड्रायर से थोड़ा सा हवा मार के उसको प्लेन, अभी वो बाहर निकलूँ तो वैसे ही हो जाएगा नॉर्मल। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मैं जब अयूब से मिली थी ना, मैं तभी भी ऐसे ही रूप में रहती थी, ऐसा नहीं कि मैंने शादी की तो अपने आप को सवारी सजाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नीट एंड क्लीन रहना और फुल मेंटेन रहना, क्योंकि अल्लाह ने जब हमें दिया है तो अच्छा ही रहना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं ऐसे रहती हूँ। पता नहीं क्यों लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है कि मैं ऐसे क्यों रहती हूँ ये उम्र में और ऐसे रहती हूँ, तो कोई आवारा हो या फिर गैर मर्दों से मेरे ताल्लुकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मैं जब मेरे शौहर थे तब भी मैं ऐसे ही रहती थी, जब वो चले गए तब मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आपको ऐसे ही रहना है हमेशा, और देखो जब मैं ऐसे ही रहती हूँ खुश रहती हूँ तो अल्लाह पाक ने फिर से मेरे सर पे शौहर का साया दिए, तो भी मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं कभी किसी के लिए चेंज नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है यार नीट एंड क्लीन रहना और अपने आप को मेंटेन रखना। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज बाबा की बड़ी शब है, और देखो कैसे बुलाए, मैं ये कपड़े पहनी हूँ इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन कहीं भी हम घर पे भी इनको याद कर लो ना, तो वो होता है कि चलो हमने उनको याद किया तो उन्होंने भी हमें याद किया है, ये उन्होंने याद किया इसीलिए उनके दहलीज तक मैं पहुंची हूँ। और बाबा की बड़ी शब आप सबको हो, मुबारक हो। ले ले।
अभी हमारे बन रहे थे, वो बन रहे आप बन रहे कैसी है? अच्छी लगी आपको? ये हमारा रैप हो गया रेडी। पर एक चीज बताओ, देखो पीछे है सबवे और वहाँ पे आपको पब्लिक दिख रही नहीं दिख रही? पब्लिक कहाँ दिखेगी आपको बताओ? आई मीन जरा हट, ये देखो। और वो क्या है पता है आपको? वाइन शॉप है, वहाँ पे पब्लिक लाइन लगा के खड़ी है। और यहाँ पे देखो, जहाँ हेल्दी खाना खाना चाहिए वहाँ पब्लिक के ढूंढना पड़ रहा है कहाँ बैठी है पब्लिक। वहां से आई तो मगरिब का टाइम हो गया था, फिर अगरबत्ती वगैरह लगाई घर पे और पिनू ने यहाँ पे करी थी सुसु, तो इसको सब क्लीन करी, दूसरा कपड़ा यहाँ डाल के रखी और चाय जैसे आपको दो कप और छोटी कप दिख रही होगी क्योंकि मेरे घर पे मेरी फ्रेंड आई है, तो उनको चाय और पानी ये उनके लिए निकाली हूँ, ये मेरे लिए चाय। अब बिस्किट मैंने पूछी तो बोली कि नहीं मेरे को बिस्किट नहीं खाना है, बस तू आ जा बहुत दिन के बाद मिलने आई है, तो चलो उसके साथ थोड़ी बातें करती हूँ फिर, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर में उतरना है नीचे। और अली भी आज माशाल्लाह आके सो गया क्योंकि आज उसका हफ्ता जो रहता है गाड़ी का वो कट गया, तो उसको थोड़ा रिलीफ फील हुआ है और आज मेरे भी गाड़ी का हफ्ता कट गया है। दोपहर में बनी हुई सालन, और अभी जैसे मैंने बताई थी जब खाना है तभी घी वाले राइस तड़का मार के, यहाँ पे तड़का मार के बना चुकी हूँ, मतलब लगा चुकी हूँ। सालन भी गरम करने को रख चुकी हूँ, उसी के साथ साथ अमीन भाई का चिकन भी यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। थोड़ा चखलू क्या? बहुत गरम गरम, बहुत मस्त लगे। और अभी हम खाएंगे मस्त संडे वाला डिनर, और इसके साथ साथ मैं सोच रही यहीं पे छोटा मोटा, आज मुझे लगता है ज्यादा कुछ अभी मैं बाहर भी गई तो कुछ शूट नहीं की बिकॉज फोन चार्जिंग में लगाई थी और मैं भूल गई लेके जाना, क्योंकि नीचे गणपति जो बड़े बड़े पंडाल के गणपति आज बहुत जगह दिखी हम लोगों को, और हमारे मालवनी का राजा तो बहुत बड़ा भी आज हमारे सामने से गया है, तो वो देखने में और मेरी पहचान वाले काफी सारे थे, तो वो मैं उसमें मेरा फोन ही भूल गई। तो इंशाल्लाह फिर कभी ये सब चीजें बताऊंगी आप लोगों को एक मिनट से, अभी तो सब पंडाल में गणपति जी बैठ रहे हैं क्योंकि उनको बिठाने के बाद उनके सारा घर तैयार होने वाला है डेकोरेशन के साथ, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और आज के खाने में है आलू मटन का सालन, तड़का मार के घी वाले राइस, और डाइट से मस्त मसाले से लोडेड डाइट वाला चिकन, और उसके साथ में आज बहुत टाइम के बाद मेरा अमीन ने मुझे लाके दिया है मोगो मोगो, और यहाँ पे रखे हैं काफी सारे क्या ये रेडबुल। तो फिलहाल कुछ भी नहीं पीने वाली, सिर्फ खाना खाऊंगी, और सोची थी संडे है हुक्का बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे आते आते 11 बज गए तो कुछ भी नहीं खा पी के जस्ट सो जाऊंगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना रहता है। और मैंने बताई हूँ ना कि मैं जो करती हूँ मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के मेरे के बीच की बात है, तो वो छोड़ो वो इंसानों को नहीं दिखाना, क्योंकि इंसान अच्छी चीज में भी नुक्स निकालता है, वो इंसान की फितरत है। तो फिलहाल ब्लॉग में करूंगी एंड, और इंशाल्लाह जैसी भी दिन भर की जर्नी है वो आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो स्किप कीजिए, लेकिन जिंदगी में हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। पिनू बाय बाय करो बाय।